एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स मैं आज आप लोगों के साथ एक और अमेजॉन डेकोर हॉल वीडियो शेयर करने वाली हूँ मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे सामान रिसीव किए हैं तो जैसे कि मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में भी आपको बताया है कि मैं लिविंग रूम को एक नया लुक देने वाली हूँ बस उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ और सामान ऑर्डर किया था जो कि मैंने रिसीव कर लिया है तो सबसे पहले है ये ब्यूटिफुल सा कारपेट बहुत ही अच्छा है दिखने में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है पहले मैं इसे खोल लेती हूँ फिर मैं आपको इसे दिखाती हूँ कि ये कैसा लगता है काफी अच्छे से इन्होंने पैकेजिंग करके भेजी है तो प्रोडक्ट बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ है बहुत ही अच्छे से इन्होंने पैक किया है अमेजन तो हमेशा ही पैकेजिंग बहुत अच्छे से करता है तो ये देखिए कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है मुझे तो बहुत सुंदर लगा ये कारपेट कलर इसका बहुत ही ज्यादा सुंदर है डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है पहले मैं इसे खोल लेती हूँ बहुत सुंदर है फ्रेंड्स आई एम सरप्राइज टू सी दिस ये कुछ इस तरह से दिखता है फ्रेंड्स uh, ये एंटी स्किड है ये नीचे से इसकी थोड़ी सी रबरी सी मटेरियल uh, है जिससे कि ये स्किड नहीं होता है धु स्लिप नहीं होता है बहुत ही सुंदर है विंटेज स्टाइल का कारपेट है बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा इट्स अ मस्ट बाय गो फॉर इट मेरा सेकेंड परचेज है एक वुडन वॉल शेल्फ और रैक यू कैन से Uh, पहले मैं इसे ओपन कर लेती हूँ पैकेजिंग इसकी भी इन्होंने बहुत अच्छे से की है प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ uh, काफ़ी ज़्यादा ही टाइटली पैक किया हुआ है तो मुझे खोलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है पहले मैं इसे खोल लेती हूँ तो ये हैं वो वॉल शेल्फ्स वाइट कलर के इस तरह के इनके साथ स्क्रूज़ एंड एवरी आती है ई इंस्टॉलेशन है काफ़ी अच्छे से इंस्टॉल हो जाते हैं ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है सामान सभी कुछ इन्होंने दिया ही हुआ है जैसे कि मैंने आपको दिखाया है तो ये इस तरह से uh, पॉलीथिन में रैप होकर आया है ताकि ये डैमेज ना हो और बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ है नो स्क्रैच नथिंग एट ऑल सो ये तीन का सेट है ये तीन मिलते हैं ऑफ डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स जैसे कि आप देख सकते हैं तीनों की हाइट डिफरेंट है बहुत ही अच्छे हैं बहुत ही ब्यूटिफुल हैं वुड की क्वालिटी भी बहुत अच्छी लगी मुझे क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी पेंट बहुत अच्छे से किया हुआ है फिनिशिंग एवरीथिंग इज़ सो गुड सो इसका प्राइस भी काफ़ी कम है 445 के अराउंड आई थिंक मैंने इन्हें 445 फोर्टी में परचेज़ किया है तो यहाँ पे इस तरह के ये होल्स प्रोवाइड किए हुए हैं जिनमें आप स्क्रूज़ और इन सबकी हेल्प से आप इन्हें अच्छे से ईज़िली इंस्टॉल कर सकते हैं और ये तीन आ, तीन साइज में आते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं द बिगर वन फिर उसके बाद थोड़ा सा छोटा एंड देन द स्मॉलर वन तो ये तीन साइज uh, में आते हैं तो बहुत ही अच्छी परचेज है क्वालिटी एंड एवरीथिंग इज़ सो गुड फिनिशिंग इज़ सो गुड और फोर फोर्टी फाइव रुपीज़ में हमें तीन वॉल शेल्फ्स मिल रहे हैं इट्स अ मस्ट बाय गो फॉर दिस वन ऑल्सो उसके बाद फ्रेंड्स मैंने एक ये जूट की बास्केट ली थी uh, Uh, वैसे क्वालिटी वाइज ही बहुत अच्छी थी बट साइज़ इसका ह्यूज था एक्चुअली मैंने एक प्लांटर की तरह इसे यूज़ करना चाहती थी बट साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा था मैं कभी आगे इसका छोटा वाला साइज़ लूँगी बट क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है गो फॉर दिस वन आल्सो वेरी गुड परचेज उसके बाद फ्रेंड्स मेरे बच्चे का भी बर्थडे आया था तो मैंने उसके लिए बर्थडे बैनर लिया था बहुत अच्छी इसकी भी क्वालिटी इसके साथ ये रिबन मिलता है काफ़ी थिन सा रिबन है बहुत अच्छा लगता है तो बस इसकी हेल्प से ये छोटे छोटे से जो कार्ड्स हैं आप लगा लीजिएगा और इसके साथ पाइप इस तरह के कॉन्फिटी बलून्स आते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं गोल्डन कलर की कॉन्फिटीज़ इनमें होती हैं और ये लगने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं तो मैं इन्हें आपको लगा करके दिखाऊंगी कि ये लगने के बाद कैसे लगते हैं बहुत ही प्यारे लगते हैं इंस्टेंटली चेंज कर देते हैं पार्टी का लुक तो बहुत अच्छे हैं क्वालिटी एवरी इज़ सो गुड बहुत अच्छे लगे मुझे मैं आपको इन्हें लगा कर दिखाती हूँ कि कैसे लगते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट मैंने परचेज किया है एक डेकोरेटिव uh, पीस आप कह सकते हैं ये भी काफ़ी अच्छा है मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं ज़्यादा वेट नहीं कर पाई इसका मैंने टू डेज से पहले इसे खोल के देख लिया था और फिर मैंने इसे क्लीन कर लिया स्प्रे की हेल्प से और मैंने इसके ऊपर स्प्रे कर लिया था डिसइंफेक्टेंट स्प्रे जो होता है तो वो मैंने कर लिया था तो ये बहुत ही सुंदर सा एक रेनडियर है इसका विद अ ब्रास हेड इसका हेड ब्रास का बना हुआ है मुझे बहुत अच्छा लगा फिनिशिंग इसकी बहुत अच्छी है काफ़ी अच्छी शाइन है वुड की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है एग्जेक्टली जैसे पिक्चर में दिखाया हुआ था बिल्कुल वैसा ही है ये मुझे सबसे अच्छा लगा मेरे इस परचेज में मुझे बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट और डिसेंट लगा और प्र... तो प्राइस वाइज भी ये काफ़ी रीज़नेबल है और दिखने में बहुत ही ज़्यादा डिसेंट और एलिगेंट लगता है उसके बाद फ्रेंड्स मैंने एक और सामान डेकोर से ही रिलेटेड मंगवाया है जो कि है एक डिफ्यूज़र इट्स एन आरोमा ऑयल डिफ्यूज़र बहुत ही अच्छी इसकी भी क्वालिटी है दिखने में भी बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल मुझे लगा तो पहले मैं इसे खोल लेती हूँ लेट मी जस्ट ओपन इट तो पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छे से की है काफ़ी ज़्यादा इन्होंने टाइटली इसको पैक किया था आ, इसको निकालने में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई तो ये देखिए कितने अच्छे से इन्होंने पैकेजिंग दोनों साइड थर्मोकोल से कवर किया है तो बिल्कुल भी प्रोडक्ट डैमेज नहीं हुआ है तो ये बहुत ही ज़्यादा बहुत ब्यूटीफुल सा डिफ़्यूज़र है बहुत ही आ, एकदम फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से की हुई है और यहाँ पे इन्होंने ये जो इसकी लीड जो प्रोवाइड की हुई है केबल भी काफ़ी अच्छी लेंथ है आई थिंक अराउंड 2.5 या 2 मीटर के अराउंड ये लेंथ है और इसके साथ ये एक हैलोजन बल्ब मिलता है आ, स्टील का ये इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं आ, क्लिप कुछ लगाई हुई है और ये हैलोजन बल्ब है इसी की हेल्प से यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है और जिसकी वजह से ऊपर एक प्लेट है मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह से वर्क करता है काफ़ी अच्छा है मुझे बहुत ही अच्छा लगा मैं इस तरह का डिफ्यूज़र काफ़ी टाइम से देख रही थी तो ये आ, इस तरह की ऊपर ये प्लेट के जैसा डिज़ाइन है यहाँ पे आपको टेन ड्रॉप्स वाटर डालना है देन अरोमा ऑयल के भी टेन ड्रॉप्स आप डाल दीजिएगा सिक्स टू टेन ड्रॉप्स और उसके बाद आपको इसे प्लग इन करना है लाइक दिस आप उसके बाद इसे स्विच ऑन कर दीजिएगा और देखिए लाइट इसकी कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है ये तो देखने में ही इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है बस नीचे से जो ये हीट प्रोड्यूस हो रही है हेलोजन बल्ब की वजह से उ, उसकी वजह से जो ऊपर आपने प्लेट के ऊपर ऑयल डाला होगा उससे बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस आती है अरोमा ऑयल की उसके बाद मैंने परचेज की हैं कॉपर स्ट्रिंग लाइट्स यू कैन से फेरी लाइट्स तो फेरी लाइट्स चीज टेज मुझे बहुत अच्छी लगती हैं इनको लगाने के बाद बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है तो पहले मैं इसे खोल लेती हूँ आ, ये हैं वो स्ट्रिंग लाइट्स काफ़ी अच्छी इसकी भी पैकेजिंग की हुई है काफ़ी क्यूटली पैक किया हुआ है इसको तो पहले मैं इसे खोल लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी लगती हैं काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती हैं इनका लुक भी बहुत अच्छा लगता है तो पहले मैं इसे खोल लेती हूँ तो ये हैं फेरी लाइट्स और ये इन्होंने दिया है यू एस बी पोर्ट वाओ दैट्स रियली गुड तो ये तो है वो स्टा जो फेरी लाइट्स हैं विद द डाटा केबल और यहाँ पे इन्होंने यू एस बी पोर्ट भी दिया हुआ है ये बहुत अच्छा है क्योंकि जो मैंने अभी तक फेरी लाइट्स ली थी उनके साथ यू एस बी पोर्ट नहीं था इसके साथ इन्होंने यू एस बी पोर्ट प्रोवाइड किया सो आई एम सो हैप्पी कि मुझे अपने फ़ोन के चार्जर्स नहीं यूज़ करने पड़ेंगे तो ये हैं वो स्टार शेप की फेरी लाइट्स बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल है मेरे पास ऐसे पहले भी बैटरी ऑपरेटेड स्टार लाइट्स थी इस तरह की स्ट्रिंग लाइट बट वो यू पोर्ट की नहीं थी मतलब उसमें इस तरह की डाटा केबल या यू के पोर्ट नहीं लगाना पड़ता था ये इस तरह से इसे फिक्स करना होता है और फिर देन प्लग इन कर दीजिएगा तो इनका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं तो जो मैंने पहले परचेज़ की थी वो बैटरी ऑपरेटेड थी बट ये यू ऑपरेटेड है तो बहुत अच्छी लगती है काफ़ी चलती हैं आप पूरा पूरा दिन इन्हें चलाइएगा 24 फोर आवर्स के लिए भी इन्हें चलाइएगा ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी और आप चाहे तो इन्हें किचन में गार्डन में कहीं भी आप इसे एज अ डेकोर इसे कर सकते हैं बहुत अच्छा लगता है इससे बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है तो मुझे तो दीज डेज फेरी लाइट्स जो हैं वो बहुत पसंद आती हैं और इसकी लेंथ जो है वो टू मीटर है और ट्वेंटी एल इसमें बल्बस हैं वाइट बल्बस हैं तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट देते हैं लगने के बाद मेरे डेकोर में ये लिविंग रूम का जो मैं टूर आपके साथ शेयर करूँगी वो ज़रूर आप देखेगा बहुत अच्छी लगेंगी ये सो आई हाईली रिकमेंड दिस वन ऑल्सो तो ये और अच्छी बात ये है कि इसके साथ आपको यू पोर्ट भी मिल रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है नेक्स्ट फिर मैंने परचेज़ किए हैं फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने कुछ क्वेश्चन भी परचेज़ किए थे क्योंकि इस बरी आ, मैंने एटीन इंचेस के क्वेश्चन कवर लिए थे सो दैट इज़ वाई आई नीड सम क्वेश्चनस ऑल्सो फॉर देम तो मैंने क्वेश्चन कवर मंगवाए हैं इनकी भी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है आई हाईली रिकमेंड यू टू गो फॉर दीज कश्चन्स ये बहुत ही अच्छे हैं तो काफ़ी अच्छे से पैकेजिंग की है बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुए हैं और ये आ, फाइबर कुशन कवर्स कुशन्स हैं सॉरी तो पहले मैं इन्हें खोल लेती हूँ तो काफ़ी अच्छे से इन्होंने इसे पैक किया है पहले इस तरह का प्लास्टिक कवर है फिर उसके बाद हर एक कुशन को भी इन्होंने अच्छे से प्लास्टिक कवर में रैप करके दिया है तो फ्रेंड्स इट्स अ वर्थ बाइंग प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इनकी तो ये देखिए ये इस तरह से इन्होंने वैक्यूम पैकिंग की हुई है तो आप इन्हें जैसे ही खोलेंगे तो ये अपना साइज़ ले, ले लेते हैं जो भी इनका साइज़ होता है वो पूरा इस तरह से फ्लफ हो जाते हैं तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि ये किस तरह से आ, फ्लफ हो जाते हैं एयर इनमें कैसे जब भरती है तो फिर ये अपना साइज ले लेते हैं बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल बहुत ही कुशनी बहुत ही सॉफ्ट है बहुत अच्छी क्वालिटी है गो फॉर दीज क्वेश्चन बहुत ही अच्छी इट्स अ वर्थ बाइंग प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनिंग प्रोडक्ट है ज़रूर परचेज़ कीजिएगा फ्रेंड्स मुझे बहुत अच्छे लगे थोड़ी सी बस प्रॉब्लम इनके साथ ये रही मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम आई जैसे कि आप देख सकते हैं ये फोर क्वेश्चन है मैंने फाइव का सेट लिया था फोर सेम साइज़ के हैं बट एक क्वेश्चन इन्होंने मुझे छोटे साइज का दे दिया सो आई एम बी डिसपॉइंटेड बट आई एम नॉट गोइंग टू रिटर्न दैम क्योंकि क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है तो अदरवाइज यू कैन रिटर्न आप उनको बोल सकते हैं कि साइज़ में अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो आप परचेज़ दोबारा से कर सकते हैं इन्हें रिटर्न करके सो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का अमेज़ॉन रिकॉर्ड हॉल वीडियो आई होप कि आपको पसंद आया होगा आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगा So that's all for today's video. I hope this video is helpful to you. I hope you enjoyed it. Till then, bye-bye and take a very very good care of yourself.